अस्सलाम वालेकुम, फूड कोर्ट में खुश आमदी। आज हम बनाएंगे तली हुई प्याज। तो कुरकुरी तली हुई प्याज बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 किलो के करीब प्याज लिए है, जिसे पतला पतला काट लिया है। अच्छा, कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है और ठंडे ऑयल में ही मैं डालूंगी प्याज। 1 टीस्पून के करीब जाएगा इसमें नमक और अब मैं इसकी शुरू में इसकी गैस इतनी रखनी है जितनी आप चावल पकाते वक्त दम के वक्त रखते हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है। अगर आप इसको शुरू से ही तेज़ आग पे पकाएंगे तो वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी मगर अंदर से उसका पानी खुश्क नहीं होगा, तो हमने इसके अंदर का पानी खुश्क करना है। और ये नमक भी इसलिए डाला जाता है ताकि प्याज अपना सारा पानी इसमें छोड़ दे। जब ये पकने लगेगी फिर हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे, अभी हम इसको मिक्स करके छोड़ देते हैं। इसे अब 3-4 मिनट हुए हैं और अब इसने हल्का हल्का सा पकना शुरू किया है। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से पके और अब इसको छोड़ना नहीं है, मगर इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अभी हमने इसको इतनी ही आग पे पकाना है। इस तरह से आप इसको हिलाते रहें। हल्की आग पे पकते हुए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और अब ये इस तरह से थोड़ी नरम हो गई। अभी मज़ीद हम इसे इतनी ही आग पे पकाएंगे। ये असल में ये देखें जो उसका ऑयल होगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर अभी काफ़ी पानी मौजूद है, मतलब ऑयल जो है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा और जैसे ऑयल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, तब पता चलेगा कि इसका सारा पानी खुश्क हो गया। अभी मज़ीद इसको इसी तरह से पकाएँगे और थोड़ी देर के बाद फिर इसकी आग तेज़ करेंगे। प्याज को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और अब इस पर हल्का हल्का सा कलर आने लगा है, तो अब मैं इसकी आग थोड़ी सी बढ़ाऊंगी। अब इसकी आग बढ़ाएंगे और इसको अब मुसलसल चलाते रहेंगे और जैसे ही इस पर अच्छा सा सुनहरा कलर आएगा हम इसे निकाल लेंगे। इस वक्त इसकी आग मीडियम हाई है और आखिर तक हम इसे मीडियम हाई पर पकाएंगे। प्याज पे कलर आने लगा है, अब बस हमने इसका ध्यान रखना है और तेज़ आग पे जब ये होगी तभी ही हमने इसको बाहर निकालना है। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, उससे फिर इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है। किसी खुले बर्तन में इसको निकाल लेंगे। और प्याज तलने के बाद किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे, जिस तरह से आटा गूंदने का तसला होता है उसमें मैंने निकाल ली है और फोक की मदद से आप इसको खोल लें। इसकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। आप इसको ठंडा होने के बाद एक किसी शॉपर में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसी तरह से 1-1.25 किलो बना के रख लेती हूँ। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से कितनी क्रिस्पी है। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी है और ये बिल्कुल चूरा हो गई है हाथ के अंदर। इतनी परफेक्ट हमारी प्याज बनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।